सो so, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि करिकुलम बेसिकली है क्या इट्स इट्स अ रोड मैप है जो एक गाइडलाइन फॉर टीचिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है ठीक है और इसके जो मेन कंपोनेंट जो होते हैं उसमें जो की कंसर्न्स जो होते हैं उसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को बेस से जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा होता है ठीक है ना सो इट कैन नॉट बी टेकन इन टू आइसोलेशन इट हैज़ टू बी मतलब ए के कि एक कॉन्सेप्ट बताया आप उसको फिनिश कर दिया ऐसा नहीं होता करिकुलम में इंश्योर किया जाता है कि जो उसकी डिज़ायर्ड कॉम्पिटेंसी है या जो जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको ग्रेजुअली पीस मील की फॉर्म में उसको दिया जाए और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को कॉन्स्टेंटली जो है वो बढ़ाया जाए इमेजिन करें कि जैसे एक बच्चा है क्लास में या एक स्टूडेंट है क्लास नर्सरी में आता है या केजी में आता है तो उसका फंडामेंटल उसका जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट वर्क स्टार्ट किया जाता है लाइक like कलरिंग से पेंसिल होल्ड कैसे करनी है और वेरियस uh, शेप्स और फॉर्म्स को वो उसकी उसको फील करता है उसको अपने पजल्स की फॉर्म के अंदर एक उसके बिल्डिंग कर रहा होता है कोर्स ऑफ टाइम में यही जो लड़का है ये स्टूडेंट जो है ये जाके कॉम्प्लेक्स टास्क अचीवेबल जो है वो एज एन एडल्ट की तरफ जो है वो जा रहा होता है तो इसी प्रिंसिपल के साथ जो है वो हमारे पास जब हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स को तो ज़रूरी ये होता है कि करिकुलम में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि जो ये टास्क हैं ये ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव उसके साथ मौजूद हो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि स्पायरल करिकुलम भी उसी चीज़ के एग्जाम्पल है ठीक है ना तो मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ें जो है वो राइट ट्रैक पर रहें अगर राइट ट्रैक पर नहीं रहेंगी तो इज गोइंग टू लैंड अप इन द डिज़ास्टर तो करिकुलम का मेन मकसद मेन ई जो है कि इट शुड रिमेन अ प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतने अच्छे आपके डिज़ायर रिजल्ट आप लोग को अचीव करने में जो है वह आसानी होगी एक अच्छे करिकुलम के साथ कुछ ईशूज़ ज़रूर अटैच होते हैं अब वो जब हम बात करते हैं एक अच्छे सक्सेसफुल करिकुलम के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कम्युनिकेशन लाउड एंड क्लियर हो जो डिज़ाइन कर रहे हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया है और जिन पे इम्प्लीमेंट होगा उन दोनों के दरमियान जो है वो आ, जो एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं जो टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेटजीज हैं असेसमेंट हैं ये सारा कुछ क्लियर हो इस जाहिर सी बात है कि ये एक डिज़ाइन करता है एक पे इम्प्लीमेंट होगा और बीच में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें टीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन है और वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं पेशेंट्स हैं इन सारे लोगों के लिए ज़रूरी है के उनके लिए भी इसका जो मीनिंगफुल कंटेंट है वो रिप्रेजेंट हो और उन तक वो बात पता हो ठीक है एक अच्छा करिकुलम के लिए ख़ास बात ये होती है कि वो क्रिटिक के लिए ओपन होता है यानी कि क्रिटिक में किसी ने कोई डॉक्यूमेंट को ऐसा बनाया है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये करिकुलम बनाना एक शख्स का काम नहीं है सो इट 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 बिकम्स एज अट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ये तो इसमें हमेशा एक लेवरेज होनी चाहिए कि क्रिटिक की गुंजाइश इसमें मौजूद हो ठीक है और इसके अप्रोप्रिएट फोरम्स होते हैं जैसे एक्डेमिक काउंसिल होती है हर इंस्टीट्यूट के अंदर और एकेडेमिक काउंसिल में मकसद यही होता है कि इन करिकुलम्स को आप वहाँ पर डिबेट करें जहाँ पर एच ओ डीज़ या नेरी स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं एंड यू लर्न फ्राम योर पास्ट एक्सपीरियंसिस और उसके बाद आप अपने रिकमेंडेशन उसमें ज़रूर एड करते हैं और मकसद अच्छे का मकसद ये होता है कि इसको रियल लाइफ में यानी कि प्रैक्टिस में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी आंखों से देख सकें ये बहुत जरूरी होता है जब भी करिकुलम को हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कि इसमें की इशू आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेबर टूथ करिकुलम सेबर टूथ से आप लोग अगर थोड़ा सा अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पे भी जाएं कार्टून्स होते थे बड़े बड़े दांत वाला एक वो टाइगर होता था तो सेबर टूथ जो होता है वो बेसिकली एक प्री हिस्टोरिक Uh, जो है वो एनिमल है तो करिकुलम में भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है वो करते क्या हैं कि अ सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करिकुलम पे पंजे गाड़ के बैठ जाते हैं कि जी चलेगा तो वो ऐसे ही चलेगा होना नहीं चलेगा सो वेन यू हैव दीज थिंग्स इन प्लेस तो करिकुलम बहुत स्टैटिक हो जाता है और फिर वो वो रिफ्लेक्शन बन जाता है उस कन्वेंशनल वैल्यूज का जो मॉडर्न करिकुलम के साथ जो है कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें आ जाते हैं तो इट क्रिएट्स एक्चुअली अ डिजास्टर रेसिपी तो इस चीज़ को जो है ना हमेशा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखा जाए कि क्या हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो हमारे करिकुलम को आगे मूव फॉरवर्ड करने में जो एक स्टेक यार्ड का, का काम जो है वो कर रहे हैं नॉर्मली तौर के ऊपर जब हम बात करते हैं वी हैव बेसिकली थ्री लेवल्स ऑफ करिकुलम एक वो होता है जो प्लान करिकुलम है एक होता है डिलीवर्ड है और एक जो है वो हमारा वो होता है जो एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो करिकुलम इसमें जो है वो आ जाता है ठीक है ना प्लान करिकुलम क्या होता है कि जो इंटेंटेड बाय द डिज़ाइनर यानी कि जिस सोच के साथ वो बनाया गया होता है और यूजर <laughs> करिकुलम का हिस्सा होता है जो डिलीवर्ड यानी कि किस तरीके से वो डिलीवर्ड हुआ टीचर्स ने पढ़ाया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कितनी सपोर्ट की ये उसके अंदर आ जाता है और इसके साथ जो है वो आ जाता है एक कंपोनेंट आ जाता है जो एक्सपीरियंस करिकुलम का जो है वो आ जाता है कि जी के स्टूडेंट्स ने क्या एक्सपीरियंस किया और एक एक और एलिमेंट होता है विच इज़ नोन एज ए हिडन करिकुलम हिडन करिकुलम जो है वो करिकुलम का वो हिस्सा होता है जो पढ़ाया नहीं जा रहा होता लेकिन ये कि स्टूडेंट्स को लर्न जरूर कर रहा होता है तो ये मोरलेस एक्सपीरियंसड करिकुलम के अंदर ही इम्बैट हो जाता है तो uh, बहुत सारी बातें हम पढ़ाते नहीं है लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है सीख के गए हुए होते हैं आप सोचते हैं पता नहीं बच्चे ने कहाँ से सीखा पता नहीं जो एक घर में एक बात होती है ना कि जब अच्छे काम होते हैं तो कभी कभार डिपेंडिंग अपॉन के पलड़ा किस तरफ है घर में तो बाबा पे गया है या मामा पे गया है तो वो करिकुलम में लर्नर्स भी हमारे वैसी ही चीज़ों को एग्जिबिट करते हैं कि जो है वो ये कहाँ पे जाके जो जा है वो तो फॉल फौ, आउट हो रहा है तो एक अच्छे करिकुलम के लिए जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर सिंबियोसिस हो सिंबियोसिस हम सब इस टर्म्स से एक मतलब एक आशना है इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं कि एक सिंबियोसिस जो है सिर्फ लर्निंग के हवाले से नहीं होती बल्कि जो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज जो है वो कैसी जो है ना उसको वो आ, देख रही होते हैं उसके नज़र में इफ़ यू हैव अ गुड प्लान करिकुलम तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो वो एजुकेशनल जो है ना वो उसको इम्प्रूव करेगा यानी कि इट्स इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ बाइनरी टाइप यानी कि इट गोज़ बोथ वेज इन ऑल अराउंड क्लिनिकल सर्विस जो होगी वो एजुकेशन को इम्प्रूव करती है और एजुकेशन जो है वो क्लिनिकल सर्विस को इम्प्रूव करता है तो यू हैव दिस टू रिलेशन और स्टूडेंट इसका जो है वो uh, जो होता है या हब होता है जो जो एक इन करिकुलम को अचीव करने में होता है तो अभी हमने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो के करिकुलम की डेवलपमेंट और करिकुलम डिजाइन की हम जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमें देखना था कि एक करिकुलम के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो एसेंशियली अगर देखा जाए तो यू हैव फोर कंपोनेंट्स जिसके अंदर कंटेंट होता है उसकी टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं असेसमेंट होता है वैल्यूशन डिजाइन होता है प्रोसेसेस होता है तो ये एक अगर आप उसको सही डिफाइन कर पाएं अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें और उसको लॉजिकली अगर आप इन प्लेस करते हैं सो व्हाट यू गेट इज कॉल्ड अ करिकुलम डिज़ाइन तो अगर हम इन नेट शेल बात करें कि जितने भी प्रोसेसेस हैं करिकुलम के अंदर जो मौजूद है चाहे वो कंटेंट है टीचिंग है असेसमेंट है उसको आप एक लॉजिकली सीक्वेंस के अंदर वो रखें कि जो विच मेक्स अ मीनिंग तो वो आपका डिज़ाइन जो है उसके बाद करेगा तो वो डिज़ाइन में बेसिकली हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं कुछ फ्रेमवर्कस हैं जिन पे हम बात करेंगे कि आगे क्या होता है तो अगर ब्रॉडली हम देखा जाए तो देर आर दो किस्म के डिजाइन होते हैं करिकुलम में एक परस्पेक्टिव मॉडल्स होता है और एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है पर्सपेक्टिव हमेशा जैसे वर्ड इट्स बताता है कि क्या पर्सपेक्टिव है यानी कि करिकुलम डिजाइनर्स ने करना क्या है और बनाना कैसा है और जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो होते हैं वो बेसिकली लुक आफ्टर करते हैं कि हाउ करिकुलम यानी एक्चुअली में काम कैसे करेंगे और करिकुलम जो है उसको कवर क्या करेगा तो जब हम पर्सपेक्टिव मॉडल पर आते हैं तो पर्सपेक्टिव मॉडल जो होता है वो एंड्स से ज्यादातर जो है वो आ, के बारे में बात ज्यादा करता है राधर देन द मींस ऑफ द करिकुलम ठीक है ना तो इसमें जो ये इसको इंट्रोड्यूस किया था रेल्फ टैलर ने 1949 और इसका जो एक मेजर फंडामेंटल चीज जो आ रही होती है उसमें ये आता है कि ये बेसिकली <coughs> सॉरी ये जो आ रहा होता है बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल होता है और फोकस इसमें हमेशा यही होता है कि पर्पस क्या है कि व्हाट एजुकेशनल पर्पजे शुड द इंस्टीट्यूशन सी टू अटेन दिस थिंग ठीक है ना उसके साथ एक्सपीरियंसेस क्या होंगे और uh, कैसे इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा और हाउ इस कैन बी डिलीवर तो जब हम uh, जब भी बात करते हैं परस्पेक्टिव मॉडल की तो ये ऑब्जेक्टिव बेस मॉडल जो है वो होते हैं जो हम लोग ने कन्वेंशली हम कर रहे होते हैं तभी जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल्स को जब हम देख रहे होते हैं करिकुलम के अंदर तो इसमें ज़्यादातर हमें ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात जो है वो बहुत ज़्यादा होगी यानी कि बेसिकली के एक्शन वर्ब जो हैं टू राइट टू डिसाइड टू आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट और जो अनएक्सेप्टेबल यानी कि जो नॉन मेजरेबल टर्म्स जो होती हैं उस करिकुलम में आपको नहीं नज़र आएंगी और ना आनी चाहिए ठीक है ना जैसे आ, 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 आप लोग को ड्यूरिंग द कोर्स जब ऑब्जेक्टिव राइटिंग कराई गई होगी तो उसमें इन थोड़ी बहुत कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर जरूर बात होती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आप बनाए वो नॉन मेजरेबल या वेग नहीं होने चाहिए बिकॉज के वो फिर मीनिंग जो होता है वो लॉस हो जाता है करिकुलम में हर चीज़ जो है वो आइडियली मेजरेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए उसको आप मेजर इन अट सेल कैसे करेंगे ठीक है ना तो वो बाद में जो है वो आ उसका डिसाइड किया जाता है कि वो हम फिर जो जब हम ब्लू प्रिंटिंग या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पर जाते हैं कि किसको कवर करना है या किसको नहीं करना तो अगर हम अगर प्रिमेटिव फॉर्म में बात करें तो जो परस्पेक्टिव मॉडल होता है वो बिहेवियर ड्रिवन होता है और उसकी फाउंडेशन इसके ऊपर ले की जा रही होती है ठीक है लेकिन इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म जो है वो ये आ जाती है कि आ, आ, आप जो है वो आ, आ, ये मॉडल जो है ये डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग है और बिहेवियल ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही कम्बर सम है आप सब लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज एट टाइम्स आपके जहन में वो चीज़ तो आ रही होती है लेकिन उसके लिए कोई एक्शन वर्ब या जो वो होता है वो आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होते जैसे हम लोग भी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसमें एक स्लाइड बादल खास्ता हम जरूर उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव डालते हैं कि भाई कि हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है क्या हम उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे नहीं तो उसमें इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग वो और वो जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं फिर वो सवाल ये होता है कि क्या वो वाकई में उसमें ट्रांसफर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे ठीक है ना तो दूसरा ये क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड करिकुलम जो होता है परस्पेक्टिव मॉडल ये नैरो कर देता है स्किल्स है नॉलेज को यानी कि अगर आप डिज़ाइन uh, ही बहुत नैरो स्पेक्ट्रम पे करेंगे तो आप हो सकता है स्टूडेंट की एबिलिटी टू ग्रो और उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरा ये कि हायर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इसमें हो सकता है कि एक्सक्लूड हो जाए क्योंकि ये जब ऑब्जेक्टिव डिराइव कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादातर नॉलेज को तो बता रहा होता है स्किल भी थोड़ा बहुत बता रहा होता है लेकिन जो एप्लीकेशन पार्ट जो होते हैं उनके अंदर ये कभी कभार ये मिस करवा देता है ठीक है ना लेकिन फॉर स्टार्टर्स इट्स राइटिंग गुड ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टिल कंसिडर्ड जो था पहले के ज़माने में जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड था वो अब नहीं रहा है बिकॉज अब जो दौर आ गया है वो आ गया है uh, कि आप जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या आउटकम बेस्ड उसके ऊपर आए तो तभी हमारे पास जब हम आउटकम बेस एजुकेशन की बात करते हैं ठीक सर, है ना तो आप यस सर, सर हम यूज करेंगे में जो वर्ब यूज़ करेंगे, वो अनएक्सेप्टेबल वर्ब तो यूज नहीं करेंगे, करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल फिर आ जाता है आउटकम बेस्ड मॉडल्स आ जाते हैं आउटकम बेस को जो होते हैं वो उसमें रिवर्स स्ट्रेटजी होती है यानी कि जो हम ट्रेडिशनली हम बात करते हैं कि यूजली अगर किसी से कहा जाए कि आप कोई करिकुलम या कोई डॉक्यूमेंट बनाओ तो लोग पहले क्या करते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है तो वो सबसे पहले कॉन्टेंट लिस्ट लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं और फिर उसको हम आप ऑब्जेक्टि में डाल देते हैं आउटकम बेस्ड जो है ना वो रिवर्स में जाता है वो कहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रोडक्ट क्या बनानी है कि यानी कि हमारा डिज़ाइड आउटकम स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से क्या होगा यानी कि हमारा एक अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो एक हम एक जनरल प्रैक्टिशनर बना रहे हैं हम ना कोई सर्जन बना रहे हैं ना हम एक कोई कोई स्पेशलिस्ट बना रहे हैं तो अगर हमारा आउटकम एक जनरल प्रैक्टिशनर बनाना है तो हमारा फोकस उसी के हिसाब से जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो रहता है उसके बेसिस पे फिर आप कॉन्टेंट निकालते हैं कॉन्टेंट के बेसिस पे टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज की जाती हैं असेसमेंट एंड एवेल्यूशन और फिर ये दोबारा लूप कंटिन्यू करके दोबारा देखता है कि हमने अपने डिजायरेबल आउटकम्स अचीव किए हैं या नहीं किए ठीक है।, है ना तो इसको अगर हम थोड़ा सा अलेबोरेट करके देखें तो आउटकम बेस्ड जो डिजाइन जो होते हैं उनके अंदर जो है वो एम ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉडर आउटकम जो है वो स्पेसिफाई होते हैं अब जैसे हमारा एम है ठीक है ना? अब एम और ब्रॉडर आउटकम जो है वो मोर और लेस एम की एक्सटेंशन जो है वो आ जाती है तो वो आउटकम्स में आता है तो इंटरचेंजेबल कुछ जगह टर्मिनोलॉजीज होती हैं लेकिन मकसद ये होता है कि इट शुड गिव यू अ क्लियर आइडिया कि आप करना क्या चाह रहे हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा मकसद ये है टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स में नॉलेज एंड स्किल फॉर ट्रीटिंग कॉमन मेडिकल कंडीशन ये एक हमारा एक जनरल प्रैक्टिशनर के हवाले से जो कंसर्न है, है तो उसको अचीव करने के लिए जो ब्रॉडर आउटकम्स होंगे कि ग्रेजुएट विल बी एबल टू अटेन नॉलेज एंड स्किल फॉर ट्रीटिंग कॉमन होगा वो मेकनिजम्स आइडेंटिफाई करेगा कि कॉमन डिजीजेज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या या एक्स सिस्टम में कैसे मौजूद हैं ठीक है ना तो ये हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं तो उसके ब्रॉडर आउटकम्स कैसे होंगे और फिर उससे फिर हम एक ऑब्जेक्टिव ड्राइव करेंगे कि वो वो कैसे वो स्किल्स हिस्ट्री टेकिंग के कैसे करेगा एग्जामिनेशन के कैसे करेगा तो ओवरलैपिंग बहुत सारी होती हैं लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है वो आपको ट्रैक पे रखने में मदद करते हैं स्पेशली जब हम आउटकम बेस की बात कर रहे होते हैं ये तो था हमारा मॉडल जो थे परस्पेक्टिव के हवाले से थे फिर हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स के हवाले से अब डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में क्या होता है कि ये बेसिकली मेलकम स्किल ने इसको रिकमेंड किया था और इसमें इंफोसिस जो होता है वो सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है अब इसमें जब हम बात करते हैं तो जब भी कोई भी अच्छा करिकुलम बनता है तो उसके अंदर साथ में एग्जिस्टिंग जो है वो सिचुएशन एनालिसिस जो है वो साथ में वो ज़रूर की जा रही होती है जैसे हम बात करते हैं कि कुछ इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यानी कि हमारा जो डॉक्टर बनेगा या हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो कैसा होगा ठीक है ना फिर जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर्स जो जो उनको हायर करेंगे वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी हमारा जो अंडर ग्रेजुएट है वो सर्व करेगा एज ए हाउस ऑफिसर विद इन द इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट में क्या चीज़ें हैं जब वो आके उस एरियाज को टेक ऑन करेगा तो क्या उसके पर राइट नॉलेज और स्किल का कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा और यही फिर पोस्ट ग्रेजुएट में अगर इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो वो अगर इमेजिन के वही स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट में जाएगा तो क्या उसके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं है ठीक है ना कम्युनिटी की डिमांड्स क्या हैं ठीक है ना सब्जेक्ट डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व कर रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए करिकुलम uh, को सपोर्ट सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं कि नहीं है रिसोर्स हैं कि नहीं है ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो सिचुएशन एनालिसिस में इसमें हम देख रहे होते हैं प्लस फिर इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं इंस्टीट्यूशनल की ई था हैं स्ट्रक्चर मौजूद हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं और फिर इसके अलावा ये कि प्रॉब्लम्स एंड शॉर्ट कमिंग एग्जिस्टिंग करिकुलम में क्या मौजूद हैं उनको ब्रिज करके आगे कैसे लेके जाया जा सकता है ये सारे जब हम एक दफ़ा सिचुएशन एनालिसिस करते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल में तब तो हम यहाँ पे काम जो शुरू करते हैं अब ये एक साइकिल होती है कि डिस्क्रिप्टिव मॉडल में कि आप जो है पहले एक सिचुएशन एनालिसिस करते हैं और सिचुएशन के बाद जैसे आप याद कीजिए कि हमने जब प्रोग्राम ये करिकुलम डेवलपमेंट बात की थी तो उसमें भी एक साइकिल हमने आइडेंटिफाई की थी लेकिन इसमें हमारा जो फोकस आ जाता है वो स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट यानी कि ब्रॉडर आउटकम्स को हम जो भी साथ में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस में यानी कि आप नीड असेसमेंट किया आपने बोज ऑन एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स पे और वहाँ से आपने स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट निकाले प्रोग्राम बिल्डिंग uh, की कॉन्टेंट ड्राइव किया फिर टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज देखी असेसमेंट की उनको इम्प्लीमेंट किया मॉनिटर किया और फिर दोबारा रीअसेस किया कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इस मॉडल में खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि इट हैज स्टार्ट फ्राम सिचुएशन एनालिसिस ज़रूरी नहीं है ये इट कैन स्टार्ट फ्राम दूस अगर फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट में कहीं पर कुछ आ गए प्रॉब्लम्स आ गई आप वहाँ से भी करिकुलम को टेक ऑन कर सकते हैं बेहतर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग एंड लर्निंग में कहीं पे आपको फीडबैक में कुछ अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं पर ये साइकिल ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी तो कभी कभार आपके पास एक करिकुलम मौजूद होता है और उसमें इश्यूज़ होते हैं कि आप उसको सही करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपने वो कहते हैं ना कि आपने दुम पकड़नी है कि वे टू लुक एट डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन के किस हिस्से में मौजूद हैं इस वक्त आप आप एंड ऑफ द ईयर में मौजूद हैं तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो आपका साल स्टार्ट होने वाला है आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो आपका चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप करिकुलम को किस पॉइंट इन टाइम के ऊपर आप जो है वो देख रहे हैं फिर इन सारी चीजों को आपने जो है वो अगेंस्ट एक मैप के लेके चलना है जिसमें आपने सिस्टमेटिकली विजुलाइज करना है कि हमारा स्कोप सीक्वेंस क्या चीज़ें जो है वो होंगी ठीक है इट शुड आल्सो प्रोवाइड अ क्लियर ओवरव्यू के हाउ जो है वो ये अलाइन करेगा व्हाट इज टॉट और आपके एजुकेशन गोल्स के साथ एम्स के साथ जो वो मुतम सो नहीं कर रहा ठीक है ना और फिर ये है कि अवैल्यूबल टूल है सपोर्ट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक है ना ये करिकुलम मैप भी जो है वो आपके साथ जो है वो चीजों को एम्बेडेड करता रहेगा तो थोड़ा सा हम बात करते हैं अब जब हम डिजाइन में बात करते हैं तो डिजाइन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि आप सब लोगों ने अंडर ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट्स भी देखे लास्ट हमने पीएमसी का डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था इसी तरीके से जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के भी जो है वो होते हैं आ, ये सर किसी ने हैंड रेस किया था है कि ये जो है करिकुलम करिकुलम मैपिंग और कर, करिकुलम डिजाइनिंग में इनमें दोनों में क्या फर्क है सर बेसिकली जब हाँ सर, सर इसमें फर्क है कि मैप आपको जो है समझें कि एक रोड मैप जैसे होता है कि वो आपको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है ठीक है ना तो ये बेसिकली मैप आजकल कंप्यूटराइज भी बनते हैं और कि जिसके अंदर आप हर प्रोसेस फ्लो को फॉलो करके देख सकते हैं कि के, 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 हमने जब इनको करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट किया है हमने तो वेरियस फॉर्म में टीचिंग इन स्ट्रेटजीज कैसे चल रही हैं जैसे आप इमेजिन करें ये सबसे ज़्यादा मैप का फ़ायदा उस वक्त होता है अगर इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ होता है कि जब आपके पास पी की इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो वो क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं से हेड या टेल को जो है वो स्टार्ट करता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आएगा आपसे बोलेगा जी अटेंडेंस शीट दिखाएं मुझे अटेंडेंस शीट आपने देखी और उसने उसने एक लेक्चर पे उंगली रखी कि मुझे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स दिखाएं कि आपने इसको पढ़ाया कैसे ठीक है ना तो आप उसकी फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो दिखाएंगे फिर वो आपसे कहेगा अच्छा ये साल में कितनी दफ़ा लेक्चर हुआ तो आप मुझे इसकी अटेंडेंस शीट दिखा दें तो वो फिर उसने आपने उसको अटेंडेंस शीट दिखा दी अटेंडेंस शीट के बाद देखने के बाद उसने कहा अच्छा एक बात बताएं आपने इसको असेस कैसे किया था तो अगर आपके पास कोई क्विज़ के रिजल्ट्स हैं या आपके एनुअल में कहीं पर असेस हुआ है या टी में कहीं स्पेल्ड आउट है तो आप वो दिखाएंगे फिर आगे फॉलोड ऑन जी इसके ऊपर स्टूडेंट्स और टीचर का फीडबैक क्या आया था अबाउट दिस सेशन तो ये मैप जो है ना वो बेसिकली आपको एक रनिंग रोड दे रहा होता है और जब भी आप अपने प्रोग्राम को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो आप डिज़ाइन कोई भी फॉलो करें चाहे आप आउटकम बेस कर रहे होते हैं ये आपको एक गाइड प्रोवाइड करता है कि जी के कैसे जो है वो आपने ट्रेसर रन करने हैं फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से तो बेसिकली मैप जो है ना ये फंडामेंटल पार्ट है एक सॉर्ट ऑफ मीन्स टू लुक एट दी कि हाउ योर क्वालिटी प्रोसेस आर वर्किंग यस डॉक्टर गौतम आपका हाथ रेज है सर uh, एक वन थिंग आई वांट टू नो के अभी डिस्क्रिप्टिव मॉडल एंड दैट वन अनदर मॉडल दैट वन यू टाट सो इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो करिकुलम है वो डिफरेंट है एक तो ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट है uh, या सेम ही करिकुलम फॉलो करते हैं दूसरा ये कि एज अ मेडिकल एजुकेशन विच

फिर वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी होती है कि वो उन करिकुलम्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लेआउट दे देते हैं कि आपने ये कंटेंट को पढ़ाना है टीचिंग स्ट्रेटजीज भी बता देते हैं वेल्यूशन भी बता देते हैं तो होता उसमें कि ये है कि हर इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्स जो होती हैं वो वेरी करेंगे और करती हैं तो उसमें फॉर एक्ज़ाम्पल एक ही करिकुलम जो पी ने बनाया हुआ है वो जब वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को भेजा जाता है कि आप इसको जो है वो प्लीज लुक इन टू करें तो वो अपना वो एक सेट फॉर्मेट बनाते हैं और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में डिसेमिनेट कर देते हैं फिर मेडिकल कॉलेज देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं कि नहीं है जहाँ पे वो उसको रिसोर्स को बिल्ड कर लेते हैं तो उसके ऊपर वो बिल्ड कर लेते हैं जहाँ पे वो नहीं करते वो कन्वेंशनल मेथड पे चले जाते हैं बट बाय लॉ जो एक करिकुलम बना हुआ है पीएमडीसी का उसको उन्होंने हर हाल में कवर करना है किसी भी स्ट्रेटजी से हो लेकिन वो स्ट्रेटजीज इफेक्टिव हों जिनका मीनिंगफुल कंटेंट हो और इन रिच लर्निंग एक्सपीरियंस हो पाकिस्तान में कौन सा मेथड आपने अगला सवाल था आपका कि पाकिस्तान में कौन सा मेथड काम करेगा देखिए ये सारा मेथड जो काम करेगा वो रिसोर्सेज डिपेंडेंट है एक रिमोट एरिया में मेडिकल कॉलेज है वर्सेस आपका एक मेन स्ट्रीम शहरों में मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे फैकल्टी ज़्यादा है तो यू एट टाइम्स बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है वो यू गेट एन एप्पल एंड एप्पल कंपैरिजन लेकिन बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ज़रूर होते हैं जिसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट पी जो है वो जज ज़रूर करती है तो इसलिए पढ़ाने की स्ट्रेटजीज वेरी कर सकती हैं मॉडल्स डिफरेंट कर सकते हैं वही कंटेंट्स पिल्ड ओवर जो है वो वेरियस तरीके से लोगों को पढ़ाया जा सकता yes, है। यस डॉक्टर वसीम आपका बात रेस है। ओके आ अब हम आम... सर मैं आप मैं पहले सवाल कर चुका हूं आपसे वो वो मेरा ख़्याल है वो मैंने डाउन करा उसको सॉरी सर चले शोके अच्छा अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं करिकुलम स्टैंडर्ड्स की नहीं नहीं इट्स ओके करिकुलम स्टैंडर्ड्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करिकुलम स्टैंडर्ड्स में बेसिकली होता है क्या है कि जैसे हमने बात की कि पीएमडीसी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है ना वो स्टैंडर्ड्स को जब भी करिकुलम बनाया जाएगा किसी चीज़ का वो उसमें जरूर जो है वो अप्लाई जो है वो हो रहा होता है तो यस डॉक्टर मुकेश डॉक्टर वसीम ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था करिकुलम मैपिंग और डिजाइन का जिसमें आपने पीएमडीसी का एग्जांपल दिया का विजिट कर रही हैं उसमें देख रहे हैं सब चीजें आकर तक जा रहे हैं तो डिजाइन में हमें क्या देखना पड़ेगा डिजाइन में मकसद ये देखना पड़ेगा कि उसका आउटकम क्या है या जो चीजें बनाई गई हैं डिपेंड अपॉन दैट देखें जो जो मैप है वो बेसिकली बताता है कि प्रोसेस क्लोज कैसे चल रहे हैं यानी कि वे फॉरवर्ड बता रहा है जो डिजाइन right. है वो बेसिकली एक फिलोसॉफिकल मॉडल होता है जिसके ऊपर वो करिकुलम पूरा बेस कर रहा होता है जैसे कॉम्पिटेंसी बेस मॉडल्स हैं या आउटकम बेस्ड मॉडल्स हैं तो आउटकम के अंदर अगर हमें एक ऐसा ग्रेजुएट बनाना है जो कॉमन एलिमेंट्स को डील करेगा तो वो आपके मैप में भी रिफ्लेक्ट होगा और करिकुलम के हर कॉम्पोनेट के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा यानी कि एक फिलोसॉफिकल मॉडल होता है कि उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसके फिर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं कि कैसे कैसे वो चीज जो है वो रन हो रही है कुछ जगहों पे ना ये ओवरलैपिंग सी चीज लग रही होती है कि मैप तो अलग बात कर रहा है और डिजाइन अलग बात कर रहा है लेकिन एक्चुअल में एक एक फंडामेंटल ना सोच होती है कि मुझे बनाना क्या है आप ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेंट से भी आप ड्राइव करके ऊपर जा सकते हैं ठीक है जो पुराना मेथड था लेकिन अब बात right. होती है कॉम्पिटेंसी एंड आउटकम की कि हमारा एक डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैसा होगा कि अगर right. हम फॉर एग्जांपल कोई कल के दिन आप एक फेलोशिप स्टार्ट करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरी मेरा जो स्टूडेंट जो होगा जिसको मैं ट्रेन करूंगा वो एक कॉम्पिटेंट फॉर एग्जाम्पल पर्सन हो इस डिसिप्लिन के अंदर तो right. ये आपका एक एक सोच है यानी कि एक आपका किड out, आउटकम है या एक याड उसके साथ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज होंगी के जी के वो नॉलेजेबल हो वो स्किल्ड हो वो प्रोफेशनल हो वो पेशेंट एडवोकेट हो तो ये उसके साथ सर्टन जो है वो कॉम्पिटेंसीज अटैच हो जाएंगी उस आउटकम के साथ तो वो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी असेसमेंट में फ्लो उसका कैसे रन हो रहा है कि अगर कल के दिन कोई आके चेक करता है वो आपको मैप के थ्रू मिलेगा यहां तक तो क्लियर हो होगा राइट सर आई uh, थिंक so हमारा ना प्रेजेंटेशन का टाइम थोड़ा कट हो रहा है हम ये करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स को एंड के अंदर कंसोलिडेट कर देते हैं okay, right, right, right. okay, थैंक यू तो हम थोड़ा सा करिकुलम स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं कि करिकुलम स्टैंडर्ड जब भी होते हैं उसकी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं उसमें स्ट्रक्चर एंड डिजाइन मैंशन किया हुआ होता है ठीक है उसमें कॉन्टेंट दिया हुआ होता है टीचिंग असेसमेंट होती है करिकुलम मैनेज कैसे किया जाएगा यानी कि करिकुलम मैनेजमेंट ऑन इट्स ओन अ कंप्लीट साइंस के एक करिकुलम के लिए उसको बनाएगा कौन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसके फीडबैक्स कैसे जमा हो रहे होंगे उन फीडबैक्स पे पॉलिसी डिसीजन कैसे लिए जाएंगे ये सारा कुछ करिकुलम मैनेजमेंट में जो चला जाता है फिर किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये करिकुलम स्टैंडर्ड जो भी होगा वो डिफाइन होती है कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके अलावा यह कि एवेल्यूशन मॉडल क्या होगा कि करिकुलम इफेक्टिवली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये स्टैंडर्ड्स कोई भी हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो सुपर स्पेशलाइजेशन हो ये स्टैंडर्ड्स के अंदर ये चीज़ें जरूर मेंशन की जा रही होती हैं यानी कि आपका जो करिकुलम डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें इन इसेंशियल चीज़ों को जरूर कवर किया जा रहा होता है फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं हमने बात की थी कि हमारे पास वेरियस मीन्स टू डिलीवर है ठीक है ना तो जब आप हाँ, आपने पर्टिकुलर डिज़ाइन को आपने जब कर लिया था तो उसके अंदर हम जो है फिर ये देखते हैं कि इसको डिलीवर कैसे करना है आजकल कर आप लोग मॉड्यूल सिस्टम के थ्रू गुजर रहे हैं कि जी के मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर जो है वो वेरियस मॉड्यूल्स में एक कंटेंट लेड आउट हुआ हुआ होता है और एक मॉड्यूल फिनिश हो जाता है तो फिर उसके बाद दूसरा मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है देन हमने आज थोड़ा सा डिस्कशन किया था इंटीग्रेटेड करिकुलम के ऊपर कि बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे डिलीवरी मेथड्स हैं कि ये जो डिज़ाइन और जो आपने जो एक डेवलप किया है करिकुलम उसको डिलीवर करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम इन प्लेस हो अब जैसे बात हुई थी स्पाइरल करिकुलम की स्पाइरल करिकुलम क्या था कि वो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो है वो बात करता है यानी कि आपके एक डिज़ाइड सेट ऑफ आउटकम्स या कॉम्पिटेंसीज होते हैं उसको आप फ्रीक्वेंट इंटरवल के ऊपर रिविजिट कर रहे होते हैं और उसमें मेन मकसद ये होता है कि आप कांस्टेंट जो है वो नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड को आप कांस्टेंटली उस पर बिल्ड करते रहें यानी कि जो आपकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ईयर्स में होंगी और आपकी फिनिशिंग प्रोग्राम्स में होंगी उसके अंदर चीज़ें तो मोरलेस वही होंगी लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनकी जो उसमें जो फिनेस होगी वो जो है वो ऐड होती रहेगी तो इस तरीके से ये वेरियस करिकुलम डिलीवरी के वेरियस मॉडल्स हैं जिनमें सब्जेक्ट सेंटर्ड है सब्जेक्ट सेंटर्ड जो था डिज़ाइन ये हमारा ये ट्रेडिशनल वाला था जिसमें हम यूज़ करते थे कि वेरियस सब्जेक्ट इैटमी स्टार्ट हुई कार्डियो आया ख़त्म हो गया आ, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जी रेस्पिरेटरी सिस्टम आया ख़त्म हो गया ये आइसोलेशन में चल रहे होते थे फिर देन यू हैव लर्नर सेंटर्ड के के लर्नर्स के लिए क्या चीज़ें बेस ऑन नीड असेसमेंट क्या है उसके डिज़ाइन्स होते हैं फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम बेस लर्निंग जो हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड जो होती हैं वो रिजॉल्व अराउंड कम्युनिटी बेस्ड इशूज जो होते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है फिर हमारे पास प्रोसेस मेड मॉडल्स हैं जिनको हम आउटकम मॉडल जिनको भी हमने बात की के के कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल लिया वो फिर एक प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो आप उसको रन करके देखते हैं एंड देन यू हैव स्पाइरल करिकुलम है ये हमने डिस्कस कर लिया इंटीग्रेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास दो किस्म की इंटीग्रेशन होती हैं हॉर्जोंटल वर्टिकल इंटीग्रेशन होती हैं हॉजोंटल जो होता है वो विद इन द ईयर रन करता है फॉर एग्जाम्पल और वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है ये अलॉन्ग द ईयर जो है वो uh, स्पेशलिटीज कैसे जो उसकी इंटीग्रेशन आ रही होती है उसको लुक आफ्टर करता है और मॉड्यूलर को भी हमने देख रहे हैं तो ये सारे के सारे वेरियस डिलीवरी मेथड्स हैं जो उस डिजाइन का पार्ट होते हैं कि जो आपने चूज किया है आप ऑब्जेक्टिव बेस पे जाएंगे तब भी इनमें से कोई ना कोई आपको डिलीवरी सिस्टम चाहिए होगा आप जो है वो आउटकम बेस जाएंगे उसमें भी आपको कोई ना कोई डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए होगा कॉन्टेंट को तो ये इंस्टीट्यूशन पॉलिसी होती है कि आपके ऊपर रिसोर्सेस क्या हैं उसके हिसाब से वो हो होता है तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा एक ग्लोबे लबाब है और इस पे मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा जो भी आप लोग के कंसर्न्स क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर वी विल स्टार्ट टू समराइज एंड देन वी विल हैव अ सेशन ऑन रिफ्लेक्टिव राइटिंग सर वुड यू रिपीट दैट इंटीग्रेटेड एंड स्पाइरल डिफरेंस और सर इसमें कि आपने जब सेपरेटेड रूम किए थे उसमें भी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करिकुलम ये भी हमें समझ नहीं आती ये भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा देख देखें सबसे पहले तो ये है कि स्पाइरल करिकुलम क्या है स्पाइरल करिकुलम को आप एक वर्ल पूल के तरीके से देखिएगा जैसे एक वर्ल पूल होता है कि उसकी जो बेस होती है वो नैरो होती है और ऊपर का पोशन जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडन होता है तो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप नीचे की तरफ होते हैं एंड देन यू वे योर वर्क योर वे अपवर्ड तो उसमें जब आप वेन आर वर्किंग योर वे अपवर्ड तो उसमें आप क्या होता है कि सेम नॉलेज सेम स्किल जो है एटीट्यूड जो है उसको आप कॉन्स्टेंट रिविजिट कर रहे होते हैं इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि शायद एग्जांपल भी दी थी कि जैसे क्लास वन में एक बच्चा आता है वो मैथ्स वो स्टार्ट करता है टेबल्स लर्न कर रहा होता है वन बाय वन प्लस वन कर रहा होता है तो वो उसका फंडामेंटल करता है यही जब बाय द टाइम मैट्रिक में पहुंचता है तो वहां पर वो कैलकुलेस करने के लायक हो जाता है लेकिन वो मैथ्स हर साल पढ़ रहा है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है इसी तरीके से उसका स्किल भी जो रिफाइंड हो रहा होता है तो, तो ये स्पायरल करिकुलम में आता है फिर आपकी जो इंटीग्रेशन जो होती हैं वो जो हम बात करते हैं उसमें एक हॉरिजोंटल्स होती हैं और वर्टिकल इंटीग्रेशन होती हैं ठीक है हॉरिजॉन्टल का मतलब वही यही होता है कि वो रन कर रहा होता है एक्स एक्सिस में और वर्टिकल होता है जो वाई एक्सेस में रन कर रहा होता है तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि अलोंग द ईयर्स यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर में जो है वो एक ही अगर आप कोई इथॉस पढ़ा रहे फॉर एग्जाम्पल कार्डियो रेस्परेटरी सिस्टम आप देख लें तो कार्डियो रेस्परेटरी सिस्टम विल स्टार्ट प्रॉब्लली विद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद एनेटमी लेकिन साथ में जैसे जैसे ईयर्स पास करते जा रहे होंगे उसमें फिजियोलॉजी भी आती जाएगी उसमें पैथोलॉजी भी ऐड हो जाएगी और फिर एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर तक उसको सर्जिकल एंड मेडिकल डिजीजेज उसकी जो मैनेजमेंट के वो भी साथ में एम की मैनेजमेंट तक वो वहां तक पहुंच जाएगा ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होगी कि अब आप ईयर वाइज सोचें कि फॉर एग्जांपल के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो उसको जो है वो हार्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एनेटमी भी पढ़ाया जाएगा फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा उसका लैब में कोई प्रैक्टिकल भी होगा तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन आ जाएगी एक अच्छा करिकुलम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इंटीग्रेशन दोनों लेवल के ऊपर कर रहा होता है यानी कि वो आपको बताएगा कि यही थीमेटिक इसकी कैसे रन हो रही होगी और ये और बाकी जो है वो किस तरीके से इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी साथ में प्लेस होगी तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाने का सोचेंगे आप ये देखेंगे कि ये क्या इंटीग्रेटेड है कि नहीं है या ये स्टैंड अलोन है ये बहुत ज़रूरी होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये ऐसी चीज़ पढ़ाएं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो बिल्कुल आपने अलग से पढ़ाई लेकिन वो करिकुलम में कहीं ना कहीं पर उसका किसी और के साथ कोई लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा तो वो जो है वो इंटीग्रेशन में चला जाता है सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि और वर्टिकल करिकुलम करिकुलम इज ऑफ जी बिल्कुल देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें ना ओवरलैप कर रही होती हैं इंटीग्रेशन जो है ना आ, किसी स्पायरल में ऊपर जाने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन आपको दोनों चाहिए

कार्डियोरेस्परेटरी मॉड्यूल है तो उसके अंदर जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट का रोल भी जो फाइनल ईयर में पढ़ाना है उनका रोल भी बढ़ जाएगा जो पै, जो पैथोफिजियोलॉजिस्ट हैं उनका रोल भी बढ़ जाएगा एनेटमिस्ट हैं उनका रोल भी बढ़ जाएगा ठीक है ना अगर कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड उसमें कुछ इश्यूज हैं तो वो भी साथ में इसी मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे मॉड्यूल का एक नुकसान ये होता है कि वंस इट इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड मतलब एक दफ़ा वो हो जाता है वो दोबारा रिविजिट नहीं हो रहा होता अगर आप उसको स्ट्रेंदन करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि आप उसको पे स्पाइरल करिकुलम में उसको कहीं ना कहीं पे रिविजिट कराएं और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ओके ओके थैंक यू सर ठीक है यस डॉक्टर गौतम एंड डॉक्टर सानिया अच्छा आई आई वांट टू नो के uh, ये जो प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन है आई थिंक दिस इज द सेम द पीबीएल मॉडल जैसे जंप्स होते हैं पीबीएल में जंप वन जंप टू जंप थ्री डिफरेंट थिंग जी जी जी, जी 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 प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन जो होते हैं बिल्कुल सही पहचाना है जैसे पीबीएल लर्निंग्स हैं वो उसी के तरीके से के होती है कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है ग्रुप उसमें जो लर्निंग इशूज होता है वो अपने आइडेंटिफाई करता है बेसिकली ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग के है कि हर स्टूडेंट एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी लर्निंग नीड्स को खुद आइडेंटिफाई करता है उस पर वर्क करता है और फिर उसके जो सोलूशन जो है निकालता है ये मॉडल जो है ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए जो है वो इन uh, प्लेस होता है कि जहाँ पर आप अगर ये कि अपना आपका डिज़ाइड आउटकम ये है कि uh, हमारा स्टूडेंट जो है वो एक प्रॉब्लम uh, सॉल्वर हो तो जाहिर बात है कि वो फिर आपको इन स्ट्रेटजीज के थ्रू भी किया जा सकता है आजकल क्या है कि क्योंकि जो प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन जो होते हैं वो ट्रू इथॉस में हो नहीं पाते क्योंकि वजह ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस सारा दिन अगर यही इसी तरीके से अगर पी रन करें सिर्फ अलोन पी की मैं बात कर रहा हूँ कि तो उन स्ट्रैटीज से रन करें तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो नॉलेज और स्किल का कवर्ड नहीं हो पाता तो उसका डाउनसाइड ये आ जाता है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज वो डिमांड करती हैं कि इतने आवर्स आपने पढ़ाए नहीं है तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे पीबीएल के लिए आपको बहुत ट्रेन फैकल्टी और लोग चाहिए तो आ, ये हाइब्रिड मॉडल के अंदर कुछ सेशंस में पीबीएस को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ताकि आप एक आ, उन चीजों का ख्याल रख सकें कि हम एक आ, एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं यस डॉक्टर सानिया आपका हाथ उठा हुआ सर हम हॉरिजॉन्टल को ऐसे कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक के अलग अलग स्टेप्स मतलब हम फर्स्ट ईयर में उसको बेसिक बढ़ाएंगे फिर आगे आगे और वर्टिकल में ये कि एक टॉपिकल की बेसिक से लेके क्लिनिकल अप्रोच तो सर ये दोनों पार्ट हो गए स्पाइरल के ऐसे ही है सर देखिए ये आ, इंटीग्रेशन जो है ना स्पाइरल में बहुत जरूरी है आपकी बात सही है कि इसको आप इस तरीके से भी देख सकती हैं कि वो इंटीग्रेशन लेवल का एक हा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसको आप अलाइन कैसे करेंगी लेकिन जब आप ओवरऑल इसकी बिगर पिक्चर देखेंगी तो यस ये स्पाइरल ही नज़र आ रहा होगा आपको अगर आपकी सोच ये है कि आप इसको कॉन्स्टेंटली रिविजिट करा रही है ठीक है ना लेकिन उसमें स्पाइरल की रिक्वायरमेंट ये होगी कि रिविजिटिंग हो अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा रही हैं और उसको आपने सिर्फ अलाइंड कर दिया कि मैं इसके छः हिस्से हैं मैं फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाऊंगी सेकेंड ईयर में ये पढ़ाऊंगी थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर में और इसको हर साल मुझे सपोर्ट ये ये, ये लोग करेंगे लेकिन आप कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा नहीं रही हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने सिर्फ नॉलेज ही देती जा रही हैं आपने कोई स्किल नया ऐड नहीं किया यानी कि आपने सिर्फ नॉलेज फैक्ट्स ही पाँच साल में आप पढ़ाती रही लेकिन उसमें उसकी फॉर एग्जाम्पल के वो डायग्नोसिस मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच रहा है उसका आपका ग्रेजुएट नहीं पहुंच रहा है वो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहा है तो वो स्पायरल नहीं कहलाएगा वो सिर्फ इंटीग्रेटेड रहेगा स्पायरल नहीं रहेगा स्पायरल की रिक्वायरमेंट है कि द स्पायरल हैज टू असेंड द जनरल लर्नर्स एबिलिटी टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तो सर कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगा या वो वर्टिकल में आएगा ये डिपेंड करता है आप एक ही साल में जो है वो अगर चार दफा कर लेंगी तो वो हॉरिजॉन्टल में भी रह सकता है देखिए वर्टिकल आप एक ग्राफ टेबल होता है ना जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है ठीक है ना जब आप ग्राफ के हिसाब से देखें तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है हॉरिजॉन्टल आपकी बेस बना रहा होता है और जो वर्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो आप जो स्ट्रेट लाइंस हैं आप उसको मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर सोचिए और हॉरिजॉन्टल भी आप देखें कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक वो कैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो अगर जहां पे दोनों एक्सेस मिल रहे होंगे यानी कि एक्स और वाई दोनों मिल रहे होंगे और वो ग्रेजुअली हर साल बढ़ता जा रहा होगा और आप आउटकम्स को देखेंगे कि ये आउटकम्स की तरफ ये जा रहा है तो देन यू वुड से कि हाँ जी ये है इसके लिए आप गूगल पे इमेजेस में स्पायरल के इमेजेस आप अगर सर्च करेंगी दोनों के हॉर्जोनल वर्टिकुलर के ऊपर तो आपको कुछ और भी अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएंगी जो आपको हेल्प कर देंगे इनशाला अच्छा सर लिटिल बिट एक्चुअली कैन यू गिव अस एनी एग्जांपल ऑफ प्रोसेस मॉडल ये थोड़ा इसमें थोड़ी नीड मोर क्लियर देखिए प्रोसेस भी जो है ना वो डिजाइन के हवाले से आ, आप के एक आ, आप कंटेंट को लेके आगे बढ़ जाएं और प्रोसेस अपना डिफाइन कर दें जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम मैं आपको दिखाता हूं ये ये आउटकम बेस को देख लें ये प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है ना कि आपने डिजाइड आउटकम किए उसका कंटेंट निकाला उसको जो है वो आपने रिव्यू किया टीचिंग एंड लर्निंग के हिसाब से पढ़ाना कैसे असेसमेंट किया और फिर उसको आप लूप में लेके चले गए तो एक डिफाइंड प्रोसेस बन गया अगर आप इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका प्रोसेस मॉडल बन जाए तो प्रोसेस मॉडल जैसे आप एक, एक, एक ये वर्ड एक्चुअल में जो डिस्क्राइब जो हुआ हुआ है लिटरेचर में वो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल टीचिंग एंड लर्निंग होता है उसके अंदर आता है और एक्चुअली में अगर हमारा भी देखा जाए एज डॉक्टर्स भी देखा जाए तो हम लोग भी पार्ट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री हैं तो हम लोग की ट्रेनिंग के लिए भी ये मॉडल इस्तेमाल होता है ये प्रोसेस बेस्ड है कि आपने करिकुलम को रन करने के लिए आपने प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया कि जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे हम आउटकम्स पहले बनाएंगे फिर हम कंटेंट देखेंगे फिर हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे फिर असेसमेंट करेंगे तो ये आपका आउटकम में ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस पे चला जाएगा फिर, फिर। इसमें इसमें टाइलर भी इसके अंदर आ सकता है इसके अंदर आउटकम मतलब एक वो भी बाकी आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है वो भी आ सकते हैं इसके अंदर फिर जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रही है आप उसको अलग अलग जो है वो असेस करते रहते ओके थैंक यू सर ओके अब अब हम इसको थोड़ा सा आ, समराइज करने की कोशिश करते हैं कि तो किल जो करिकुलम डिज़ाइन है ठीक है ना ये सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट प्रोसेस है टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंस बोला ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिस्टमेटिक नहीं है और डेलिबरेट प्रोसेस नहीं है आपने क्रिएट किया जैसे आउटकम हमने डिफाइन किया कि हमें चाहिए क्या ठीक है ना और अगर हमने पॉजिटिव इन्वामेंट उसके लिए नहीं दिया ठीक है ना तो एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं आएगा ठीक है दूसरा डिज़ाइन जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि रेलिवेंट इफेक्टिव प्रोवाइड स्टूडेंट विद द नेसेसरी टूल्स एंड नॉलेज सब चीड इन फ्यूचर एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डिज़ाइन हो वो सक्सेसफुल डिज़ाइन हो इसलिए जब डिज़ाइनर्स वर्ड आप देखेंगे जब भी आप सर्च करेंगे तो वर्ड डिज़ाइनर्स आ रहा हो तो डिज़ाइनर में कभी कभार ज़रूरी नहीं कि दे आर ऑलवेज जो है वो टीचर्स uh, ही होते हैं उसमें आपके पास एजुकेशनिस्ट भी होते हैं उसके पास कंटेंट डिलीवरी के लिए आईटी के लोग भी होते हैं ठीक है ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट भी होता है तो ये इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको प्रोसेस डिलीवरी के लिए आपको पूरे का पूरा एक टीम चाहिए जो हमेशा मैं बात करता है तो एक अगर हम अच्छा अगर देखें तो करिकुलम जो डिज़ाइन जो होगा वो उसमें कुछ की इश्यूज़ ज़रूर होने चाहिए एक तो वो लर्नर सेंटर्ड हो जो मेवर है वो हमेशा लर्नर्स के पास हो क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइंड हो दूसरी ये कि उसकी रेलिवेंस हो अगर रेलिवेंस नहीं होगी तो वो करिकुलम फिल्ड डाई डाउन वेरी अर्ली दूसरा इंटीग्रेटेड हो इंटीग्रेटेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो और साथ में वो स्पायरल डिजाइन को सपोर्ट कर रहा हो यानी कि आप ग्रेजुअल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हो उसमें कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस की भी आ, क्या कहते हैं आमजिश मौजूद हो यानी कि जो हमारी कल्चरल सोसाइटी की नीड्स हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन उसमें आनी चाहिए ठीक है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रिजिडनेस ना हो ठीक है उसकी असेसमेंट अलाइंट हो असेसमेंट जो भी आप जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो उसकी एक अलाइनमेंट नजर आनी चाहिए और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ये स्पाइरल का ही एक समझें कि एक प्रोग्रेशन हो चाहे वो असेसमेंट के हवाले से हो चाहे नॉलेज स्किल का एक बैलेंस्ड अप्रोच हो रियल लाइफ की एप्लीकेशन हो कंटिन्यूस रिव्यू एंड एवेल्युशन जो हमने कहा ना कि एक क्रिटिक वाला मामला हो यानी कि वो क्रिटिक उस वक्त आएगा जब इसमें रिव्यू की गुंजाइश मौजूद होगी जब किसी चीज में रिव्यू की गुंजाइश ही नहीं होगी करिकुलम में तो वो आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे जो है वो साथ में फैकल्टी की भी और साथ में जो है वो स्टूडेंट्स को भी प्रोफेशनली डेवलप करे और ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट जू मईने खेज है यानी कि इसके लिए आपको एक अच्छे सिस्टम के लिए फ़ैकल्टी को भी डेवलप करना पड़ता है तो इसको आप दोनों पर्सपेक्टिव से सोचें कि अच्छे करिकुलम की डिज़ाइन एंड डिलीवरी के लिए आपके पास ट्रेन फैकल्टी मौजूद हो आजकल के दौरे हाज़िर में टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए और इंटर डिसिप्लिनी अप्रोच होनी इंटर डिसिप्लिनी जो है वो आपको इंटीग्रेशन में बहुत मदद करती है अगर आपने करिकुलम को लिंक नहीं किया हुआ है विद वेरियस स्पेशलिटीज़ तो आपके डिज़ाइड आउटकम जो है वो नहीं अचीव होंगे